हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो मोड न्यूट्रिशन प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट होगा इंसेक्टिवोरस, सेकेंड होगा सैप्रोफाइटिक एंड थर्ड होगा पैरासिटिक। ये थ्री मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंसेक्टिवोरस फर्स्ट। इंसेक्टिवोरस में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड गेन करते हैं अनदर किसी इंसेक्ट वगैरह से, और ये इंसेक्ट से अपना फूड मटेरियल गेन करते हैं। इसमें जैसे हो जाएगा आपका एग्जाम्पल में होगा जैसे पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, और वेनस फ्लाई ट्रैप और भी कुछ एनिमल्स हैं वेनस फ्लाई ट्रैप, जैसा कि ये एग्जांपल, ये वेनस फ्लाई ट्रैप है। और ये क्या करता है कि ये अपने कुछ न्यूट्रिएंट्स जो अपने फुलफिलमेंट फोटोसिंथेसिस द्वारा नहीं कर पाता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल पाते हैं, तो उस न्यूट्रिएंट्स को वो गेन करने के लिए वो वेनस फ्लाई ट्रैप जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिएंट्स अनदर एनिमल द्वारा, इंसेक्ट द्वारा गेन करता है। उस इंसेक्ट को कैप्चर करता है और कैप्चर करके उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद वो फूड के रूप में उसको अपने न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज करता है। तो ये दो प्लांट है, जैसे एक पीजर प्लांट हो गया, दूसरा वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया। तो ये मोड हो गया आपका प्लांट्स का फर्स्ट, इंसेक्टिवोरस। सेकेंड हो गया पैरासिटिक। पैरासिटिक में हम जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था इसको कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे रोडर का हमने नाम बताया था, ये अनदर किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होकर के और तब अपना फूड मटेरियल गेन करता है। तो डोडर का अनदर नेम भी हमने बताया था कर्स्कूटा, ठीक है। ये प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना फूड जो है वो अनदर प्लांट के ऊपर सर्वाइव करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरासिटिक। ये भी पैरासिटिक मोड जो है ये प्लांट का ही मोड है। और थर्ड हम लोग का हो गया सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में हमारे जितने भी फंगस आते हैं, फंगस प्लांट्स, तो ये फंगस प्लांट्स जितने होते हैं ये भी फंगस होते हैं, ये नन ग्रीन होते हैं। देखिए इसमें ये तीनों के तीनों प्लांट्स हैं, ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है और ये भी प्लांट है, लेकिन बी केयरफुल कि ये प्लांट्स अपना कंप्लीट फोटोसिंथेसिस नहीं करने की वजह से, कुछ न्यूट्रिएंट्स को नहीं गेन कर पाने की वजह से ये इंसेक्टिवोरस हो जाता है, इंसेक्ट खाता है। ये अपना पार्शियल फोटोसिंथेसिस करने की वजह से ये क्या करता है कि अपना फूड सेल्फ नहीं प्रिपेयर कर पाता है, इसकी वजह से यह अनदर प्लांट पर डिपेंडेंट होता है। और ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, इसको हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट कहते हैं। ये नॉन ग्रीन होता है, इसका कलर बिल्कुल ही ब्राउन कलर का होता है या ग्रे कलर का होगा। तो ये फंगस होता है। फंगस में भी बहुत सारे फंगस हैं, जिसमें से एक फंगस का हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, मशरूम। ये मशरूम एक ऐसा फंगस है जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर ये ग्रो करता है। तो डेड और डिकेइंग मैटर का पर डेड ग्रो करने का मतलब ये बिल्कुल मरा हुआ, और जैसे प्लांट प्रोडक्ट है वो सड़ा गला है, तो उसके ऊपर ये अपना ग्रोइंग करना स्टार्ट करता है। तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का हो जाएगा सिम्बायोटिक। ये सिम्बायोटिक क्या है? तो सिम्बायोटिक एक प्रकार का ये रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को हेल्प करता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म पहले को हेल्प करता है, और इस तरह से दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इनके बीच का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम लोग सिम्बायोसिस कहेंगे। और ये सिम्बायोसिस रिलेशन जो है दो ऑर्गेनिज्म में होता है, एक होता है एल्गी और दूसरा होता है फंगस। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के पहले एल्गी डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद जब ऑक्सीजन होता है और ये डेड होकर के फिर ये
ये अपना फोटोसिंथेसिस द्वारा, फोटोसिंथेसिस से ये अपना जो फूड प्रिपेयर कर लेता है, और जब डेड हो जाता है तो डेड होने के बाद उसके ऊपर फंगस प्रोड्यूस होता है, और ये फंगस उसको डिकम्पोज करता है, और जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो फिर नेक्स्ट मानसून सीजन में फिर से एल्गी जो है डेवलप करने लगता है, और फिर जब एल्गी डेड करेगा ऑफ मानसून सीजन में, ऑफ मानसून सीजन में, तो फिर फंगस उसको डिकेइंग करना स्टार्ट करता है। तो ये दोनों के बीच ये इसको फूड प्रोवाइड करता है और ये इसको फूड प्रोवाइड करता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप बनता है एल्गी और फंगस में, इसको हम लोग सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं, और इसको हम लोग ये जिस तरह का ये दोनों मिलकर आपस में जो बनाते हैं उसको कहते हैं हम लोग लाइकेंस। ये लाइकेंस एक ऑर्गेनिज्म हो गया जो दोनों के रिलेशनशिप से बनता है, और ये दोनों रिलेशनशिप एल्गी एंड फंगस की वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सॉइल रिप्लेनिशमेंट। सॉइल रिप्लेनिशमेंट होता है कि ये रिप्लेसमेंट होता है जो इसमें सॉइल अपना किस तरह से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है। तो ये हो जाएगा आपका रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल। तो ये सॉइल का रिप्लेनिशमेंट कैसे होता है? तो सॉइल का रिप्लेनिशमेंट के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि सपोज मान लीजिए कि ये एक प्लांट हो गया, और ये प्लांट धीरे धीरे डेवलप करके, और ये ऐसे इस तरह से डेवलप करके ये प्लांट है, और इसका कोई भी पार्ट, इस प्लांट का कोई भी पार्ट अगर इस मेन प्लांट से सेपरेट होता है, तो ये सेपरेट होने के बाद ये चला जाता है कहाँ? सॉइल में। सॉइल में जाकर के यह डेड और डिकेइंग होता है, और जब ये डेड और डिकेइंग होता है तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स जो रूट द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, रूट द्वारा जो एब्जॉर्ब का मतलब जैसे सोडियम हो गया, इसमें नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हुआ, कार्बन हुआ, तो ये सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट द्वारा यूज किए गए हैं, उस सारे के सारे जब ये डिकम्पोज होता है तो ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स जो है फिर से सॉइल में आ जाता है। यानी ये भी आ जाता है, वो आ जाता है, प्लस नाइट्रोजन आ गया, प्लस सोडियम है, ठीक है, कैडमियम है, इसके बाद में कार्बन है, ये सारे के सारे इस आकर के सॉइल में फिर से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये जब सॉइल में मिक्स होते हैं तो फिर से जब न्यू प्लांट कोई ग्रो करता है तो फिर से ये सारे के सारे वाटर के द्वारा फिर इस प्लांट में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ये एक साइकिल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो हाउ टू रिप्लेनिश, किस तरह से ये सॉइल जो है अपने आप को रिप्लेनिश करता है, मतलब फिर से उसमें से सारे मटेरियल्स कैसे आते हैं? तो इनके द्वारा भी आते हैं, कुछ एनिमल्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी रॉटिंग होते हैं, और रॉटिंग होकर के वो इनमें सिमिलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर से ये प्लांट द्वारा यूज कर लिया जाता है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका सॉइल रिप्लेनिशमेंट का मेथड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है, और आगे का टॉपिक हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।